जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन कटने के लेकर के बने संशय को विधानसभा में दूर कर दिया है। प्रदेश में अब उन बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन नहीं कटेगी जिनकी सालाना आय 3,50,000 रुपये तक है। इससे अधिक होने पर पेंशन काटी जा सकती है। सरकार ने अभी तक उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन काटी है जो इस दायरे से अधिक कमाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया जाएगा। बीपीएल परिवार सहित अन्य गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से है और 5 एकड़ में से की भूमि है, उन्हें आयुष्मान योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वीरवार को विधानसभा में विज ने बताया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में लगभग 10 करोड़ गरीब कमजोर परिवारों को कवर करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो को अंत तक देखें, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आप सभी तक हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद।